हेलो गाइज, मैं हूं इम्तियाज़ और हमेशा की तरह स्वागत है टेक्निकल सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। गाइज, जोस्टिक स्टक की वजह से हम प्रॉपर तरह जिगल दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेटी बन जाती है, जिससे गाइज फाइट होता है एंड वहाँ पर हम जिगल देते हैं एंड गाइज मेरे जोस्टिक फंस जाती है, तो गाइज जिसकी वजह से हम बंदे को मार नहीं पाते एंड हमारी पेटी बन जाती है। तो गाइज मैं आज की स्टूडियो में आपको बताऊँगा स्टक प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा गाइज, अगर वो आप फ्लो करते हैं तो गाइज आपकी जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम आ रही है 100% फिक्स हो जाएगी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एंड गाइज मेरे साथ खुद जोस्टिक प्रॉब्लम हुआ था, जिसके वजह से मैं बंदे को मार ही नहीं पा रहा था, कितने भी प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन मैं बंदे को मार ही नहीं पा रहा था। तो गाइज मेरा जोस्टिक प्रॉब्लम था, तो गाइज मेरे पास खुद ऐसा हुआ, तो गाइज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तो गाइज शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कीजिए, ताकि हम कोई भी गेम से टेक्स से रिलेटेड वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूँ, आपको भी ट्रेनिंग में आ जाना है। उसके बाद गाइज़ आपको करना है क्या है, सिंपली आपको अपना जोस्टिक को सेट करना है अपने फिंगर के हिसाब से। गाइज़ आपको जहाँ पे लगे कि मेरा जोस्टिक बेस्ट है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे गाइज़ मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, गाइज़ आपको एक बार सेट कर लेना है, आपको बार बार चेंज नहीं करना है। आपको जहाँ पे आपका फिंगर जा रहा है उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। गाइज़ अगर आपका फिंगर थोड़ा मोटा है तो गाइज़ आप यहाँ पे जोस्टिक की साइज़ को ऐसे तो आपको 90 रखना है, अगर आपका फिंगर थोड़ा मोटा है तो गाइज़ आप यहाँ पे बटन साइज़ है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, अप कर सकते हैं अगर आपका फिंगर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। तो गाइज़ मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है एंड यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो गाइज़ आपको सेव कर देना है, अपने फिंगर के हिसाब से आपको जोस्टिक को रिप्लेसमेंट अच्छी तरह से सेट कर देना है और आपको चेंज नहीं करना। एंड गाइज उसके बाद आपको करना है क्या है, सिंपली आपको एक ड्रिल्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आपको करना है ड्रिल्स, ये ड्रिल्स आपको करना है ऐसे, और क्लोज में जाके गाइज आपको ऐसे करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जोस्टिक के साइज़ आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कैसे जोस्टिक ले जा रहा हूँ, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सिंपली ऐसे करके आपको रोज़ आपको 5 से 10 मिनट आपको ये वाला डील्स को आपको करना है, जिससे आपको गाइज आपका ये जोस्टिक तो आपको सही होगा ही एंड गाइज आपका एम भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो गाइज आपको ऐसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह से आपको ले जाना है एंड क्लोज जाके गाइज अब विथाउट फायरिंग को आपको ऐसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे गाइज बहुत इंप्रूवमेंट होगा एंड गाइज आपको जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। तो गाइज आपको ये ड्रिल्स 5 से 10 मिनट ऐसे ही करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फायरिंग में, जैसे यहाँ पे आपको ये 5 से 10 मिनट ये वाला करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं विथ फायरिंग, आपको फायरिंग करते टाइम ही आपको ऐसे जिगल देना है एंड आपको ये करना है 5 से 10 मिनट आपको ये करना है गाइज, रोज़ करना है गाइज। आपकी जो ये जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम है ना गाइज, आपको वो फिक्स हो जाएगा। तो आपको ये करना है रोज़ डेली, आप गेम शुरू करने से पहले आपको ये 100% आपको ज़रूर करना है। तो गाइज आप ये दोनों ड्रिल्स का 5-5 या 10-10 मिनट आप कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये करना है। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है गाइज, बहुत सारे का जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम होती है उनके पसीने की वजह से होता है गाइज, स्वेट की वजह से होता है। तो गाइज मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा गाइज, अगर आप विथाउट फिंगर स्लिप आप गेम खेलते हैं तो गाइज आपकी जो हाथ से पसीने चलता है उसके वजह से भी आपको जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आप विथआउट फिंगर स्लिप खेलते हैं तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फिंगर स्लिप बाइक कर सकते हैं। तो गाइज आपको अगर फिंगर स्लिप बाइक कर लीजिएगा तो आपका जो स्वेट होता है वो खत्म हो जाएगा एंड गाइज आपकी जोस्टिक स्टक होती है वो प्रॉब्लम आपको फिक्स हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको भी ज़्यादा स्वेट आती है तो गाइज आप एक फिंगर स्लिप बाइक कर सकते हैं, इससे गाइज आपको जो स्वेट प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एंड आपकी जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आप एक बाइक कर सकते हैं। तो गाइज जोस्टिक प्रॉब्लम इसलिए भी आती है, जो गाइज आपके फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड लगा होता है आप गेम खेलते हैं तो गाइज आपका जो जोस्टिक वाला जहाँ पे जगह होता है वहाँ पे स्क्रीन गार्ड ज़्यादा घिस जाता है। तो गाइज घिस जाने की वजह से वो
टच जो है वो स्क्रीन का ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से टच प्रॉपर तरह काम नहीं कर पाता है। एंड गाइस आप जब जिगल करते हैं तो वो जोस्टिक अटक जाता है, तो गाइस इससे भी जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अगर आपका भी वहाँ पे घिस चुका है तो गाइस आप एक न्यू स्क्रीन गार्ड लगा लीजिए। एंड गाइस इसके लगाने के बाद आपका जो वहाँ पे जोस्टिक प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस मेरे को भी ऐसा ही हो रहा था, मेरा स्क्रीन गार्ड ख़राब हो गया था एंड गाइस मेरा बार बार जोस्टिक स्टक हो रहा है, तो गाइस मैंने स्क्रीन गार्ड चेंज कर दिया। तो गाइज़ अगर आपको भी जोस्टिक के जगह पे आपका स्क्रीन है वो घिस गया है तो गाइज़ आप भी स्क्रीन गार्ड चेंज करा लीजिए, इससे आपका जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ मैंने इस वीडियो में जो भी बताया अगर आप वो फॉलो करते हैं तो गाइज़ आपकी जो जोस्टिक स्टक प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइज़ मैं इस चैनल पे ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।